नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली की। जी हां, प्रधानमंत्री ने आज 5 जिलों की 22 विधानसभा क्षेत्रों को साधा और उनको जिस तरीके से रैली जनसंपर्क किया, एक तरीके से ये जो वर्चुअल रैली की है, इसका 22 विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 विधानसभाएं हैं। सीधे से उन्होंने किसानों और जाटों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर हमला भी बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों पार्टियां परिवारवादी हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा, ये जो कागजी समाजवादी हैं, ये परिवारवादी हैं। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, क्योंकि 5 जिले की जो 22 विधानसभा हैं उनको साधने की, उनसे रैली, वर्चुअल रैली की गई है। प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे दो नेताओं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर सीधा निशाना साधा जाता है। एक रिपोर्ट देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उससे आपका तारुफ भी करवाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों को पीएम मोदी ने वर्चुअल संवाद कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ऑनलाइन जन चौपाल में पीएम ने वेस्ट यूपी के उन 5 अहम जिलों को साधा जहां किसान आंदोलन, जाट आरक्षण के कारण भाजपा की चुनौतियां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, नोएडा और गाजियाबाद के मतदाताओं को साधने के लिए पीएम ने यूपी में विकास और विभूतियों दोनों का सहारा लिया। इन संबोधन में मेरठ, दिल्ली एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो रेल, जेवर हवाई अड्डा, सिंचाई परियोजनाओं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, चीनी मिलों और खेल विश्वविद्यालय का जिक्र किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। साथियों, आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। 70% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और वहीं रैली में 4 बड़ी विभूतियों को पीएम ने भाषण में नमन किया, जिनमें जाट महाराणा महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद शामिल रहे। चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र के लोगों को और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, तब देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं।
पीएम ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। चौधरी चरण सिंह वेस्ट यूपी के किसानों और जाटों के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट महाराजाओं में बड़ा नाम है। वेस्ट यूपी की जाट बाहु सीटों पर इस नाम का बड़ा असर पड़ना संभव है। यूपी के पूर्व सीएम बाबू कल्याण सिंह का राजनीतिक क्षेत्र प्रमुख रूप से अलीगढ़ बुलंदशहर रहा है। बाबूजी के देहांत के बाद भाजपा ने पूरे यूपी में उनके अस्थि कलश यात्रा निकाली। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में उनकी अस्थियों का प्रवाह किया। बाबू कल्याण सिंह का पश्चिमी यूपी में पिछड़ों दलितों में बड़ा नाम है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जिक्र भी पीएम ने संबोधन में किया। जाटलैंड में खिलाड़ी या तो गांव के किसानों के बेटे हैं या जाट हैं। युवाओं, जाटों, किसानों के बेटों की खेल संवेदनाओं को मेजर ध्यानचंद के नाम पर जगाने का काम उनका नाम लेकर किया है। और वहीं सपा पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का ये चुनाव इस बार अलग है। ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए है और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। अखिलेश पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कागजी समाजवादी जो शत प्रतिशत परिवारवादी है और इनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या, किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद यूपी के अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। भाइयों और बहनों, ये कागजी समाजवादी जो शत प्रतिशत परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। पीएम ने विपक्ष को लेकर क्या क्या वार किए, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गरीब के घर बनने की स्पीड कई गुना बढ़ी है, सिर्फ सपने देखते हैं कागजी समाजवादी, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं विपक्ष के। अखिलेश पर अटैक, परेशान किसानों का दुख दूर करने का सहारा ही नहीं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाह फैलाने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये नकली समाजवादी बंद करा देंगे। मध्यम वर्ग की जेब पर डांका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे ये नेता। ठंड कितनी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान, याद रखिएगा। तो आपने रिपोर्ट देखी, आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आज परिवारवाद पर प्रहार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 22 विधानसभा को टारगेट किया है, जन चौपाल के जरिए, वर्चुअल रैली के जरिए। कुल मिलाकर के 5 जिले हैं वो बेहद अहम माने जा रहे हैं, और ऐसे में 4 विभूतियों के भी नाम उन्होंने लिए अपने इस संबोधन में। उन्होंने मेजर ध्यानचंद का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, राजा महेंद्र प्रताप का नाम लिया, और ऐसे में
उन्होंने साफ तौर पर कहा समाजवादी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, उन्होंने कहा ये सिर्फ कागजी समाजवादी हैं, ये समाजवादी परिवारवादी हैं, दोनों समाजवादी परिवारवादी हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और RLD पर सीधा निशाना। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता है, आपका स्वागत है अभिषेक। हमारे साथ संजय कटियार है बीजेपी से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अंकुर सक्सेना है RLD प्रवक्ता, अंकुर जी आपका भी स्वागत है सीधा सवाल में। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल है समाजवादी पार्टी के अभिषेक गुप्ता से। अभिषेक गुप्ता जी, आप कागजी समाजवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, ऐसा कहा है आपके लिए प्रधानमंत्री ने, निशाना साधा है। देखिए ऐसा है जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि समाजवादी परिवारवादी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, ऐसे राजनाथ सिंह जो एक बड़े प्रदेश के सॉरी एक देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा भी पंकज सिंह परिवारवाद में है। इसी उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। ऐसे हमारे गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा यूपी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है। ऐसा ही हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं प्रेम कुमार धूमल जी, उनका बेटा इस कैबिनेट में बैंकिंग की कमेटी में पदाधिकारी है, मंत्री है, सांसद रहा है। तो प्रधानमंत्री जी किस उद्देश्य से क्या सोच करके ये कहने की जो बात कर रहे हैं कि परिवारवाद है, उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी में पर आपने किसानों को भड़काया है, गलत अफवाह फैलाई कि MSP बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा है, जनता भड़कती नहीं है, जनता के किसानों ने आंदोलन किया। देखिए बात सुनिए, अंत में किसान जीते जीते हाँ, तो ये हम लोगों ने नहीं भड़काया, हम लोग के लोग नहीं बैठे थे वहां पे, विपक्ष ने भड़काने का काम किया है। देखिए ऐसा है, सत्ताधारी दल के लोग ये बात कहते रहते हैं कि विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछने का काम कर रहे थे कि भाई आप किसानों की मांगे मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है, वो साल भर से क्यों आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने का उनका लॉजिक अगर गलत था तो आपने बीच में कहा कि नहीं नहीं, हमने किसानों की मांग नहीं पाए, माफी मांगते, हम समझा नहीं पाए किसान। अरे भाई आप ये क्यों नहीं समझा भाई, समझाने का भी एक समय सीमा होती है, महीने, एक हफ्ते, दो दिन, चार दिन, महीने, दो महीने, छह महीने, साल साल भर समझाने में लग जाता है। क्या वहां पर बैठा जो किसान था इतना बेवकूफ था जो आपकी बात ही नहीं समझ पाया, या देश का किसान को बेवकूफ समझते हैं कि वो जो है बिल्कुल विपक्ष की बातों पर भड़काने पर काम कर रहा है। अगर ये वो समझते हैं तो इसका मतलब उनका उनका जनता पे, उनका किसानों पर, उनका किसानों पर उनका भरोसा नहीं है। भाई क्या मतलब है, आप ये हमको बताएं कि अगर मैं कोई गलत बात उसको बता रहा हूं, वो मेरी बात मान रहा है, तो उसको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, वो हमारी बात मानने के लिए बात है, वो हमारा समर्थक है, क्या क्या उद्देश्य है वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कहीं कोई बात कहता हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं, तो सामने वाला अगर उस बात को हां में हां मिला रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो पूर्णतया गलत बात है। आप किसानों को मतलब ये आरोप लगा रहे हो कि किसी एक पार्टी के समर्थक हैं, वो साल साल भर कोई राजनीतिक पार्टी, मैंने इतने दिन मेरा राजनीतिक करियर हो गया, राजनीति में मैंने 25 साल से 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं, मैंने इतना बड़ा आंदोलन जो साल साल भर चलता हो, शायद बिरला एक आध हुए होंगे जो साल भर आंदोलन चला, और एक आध लोगों ने नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों किसान उसमें सहभागिता करते नजर आए। तो क्या मानेंगे इस बात को, मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है संजय कटियार जी, आप किसानों को बता नहीं पाए, लेकिन अब जब चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 403 विधानसभा वाला राज्य है, बड़ा राज्य है राजनीतिक लिहाज से, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान है, गन्ना किसान है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है वर्चुअल रैली के माध्यम से, जन चौपाल के माध्यम से, अब किसानों की बात फिर की जा रही है कि MSP पे विपक्ष ने भड़काया। देखिए आदित्य जी, चुनाव का समय है, प्रचार प्रसार करना ये तो सभी दल कर रहे हैं, लोकतांत्र की देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, RLD हो, सभी करते हैं। उस प्रचार के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री ने अपनी एक सभा की, जैसे सभाएं हो रही थी कोविड काल की वजह से, सभा वर्चुअल हो रही, बस फर्क इतना है, तो प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर पहले चरण में चुनाव है, स्वाभाविक है कि हम वहाँ पर पहले बात करेंगे, उस दिशा से उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पर। अब दूसरी बात, अभी हमारे सपा साथी बोल रहे थे परिवारवाद, उन्होंने बड़े नाम लिए हमारे यहाँ, अरे भाई इनके यहाँ तो पूरा वृक्ष है,
चाहे मुलायम सिंह से शुरू करिए नीचे तक, पेट में बच्चा तक 9 महीने होता है, वो भी पदाधिकारी होता है। ये किस परिवारवाद की बात करते हैं? वो भी एक विशेष वर्ग विशेष को लाभ देने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी। क्या गलत कहा हमारे प्रधानमंत्री ने? बिल्कुल सही कहा और उन्होंने सही जवाब दिया कि परिवारवाद है। कौन सा ऐसा काम कर दिया जो वर्ग विशेष के लिए था? मान जी पीसीएस की रिजल्ट देख लीजिए उठा करके, सारे में केवल छोड़ करके एक 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 वर्ग विशेष के अलावा कोई पीसीएस अधिकारी पास हुआ हो अपने आप में बताता है। सरकार क्या कर रही थी आपकी? जांच क्यों नहीं कराई? देखिए सुन लीजिए, करेंगे आने दीजिए। ना 4 साल से किया जाएगा। मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ अपने साथी संजय भाई से, ये बताइए क्या कर रहे थे? आंख मूंद करके देखने का काम कर रहे थे? इनके पास तो सीबीआई से हर एक मैंने कितनी शांति से आपकी बात सुनी। ठीक है और आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे बात रखिएगा मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे ठीक। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभा पहले चरण चुनाव है। हाँ। तो प्रचार के बाद मोदी जी हमारे सर्वनामे नेता है, वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, तो वो तो रैली करेंगे, इसमें ऐतराज क्या? चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, मतलब साधने की जो कोशिश है किसानों को इस तरह से है, यानी कि आप मानते हैं किसान आपसे नाराज है? नहीं, किसान नाराज क्यों है? किसान बेल्ट है, ठीक है। आपने भी गन्ने की बात करी, आज की तारीख में पिछली सरकारों के दबाव उठा के देख लीजिए, सिर्फ 1 साल का जो बकाया था वो भी चरणबद्ध तरीके से पेमेंट किया जा रहा है, कोई बकाया नहीं है। बिल्कुल झूठ का प्रचार, वही अभी मोदी जी ने कहा कि झूठ का प्रचार करना चाहते हैं सभा के लोग, जैसे इन्होंने वैक्सीन में बड़ा झूठ बोला था, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आप कल्पना कीजिए भाई साहब कि यदि ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता, ये दूसरा चरण आया, कितने लाखों लोग मरते, उसमें कितना गरीब आदमी मरता। इनको शर्म नहीं आई? अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, और उसके बाद लगवाने पहुंचे स्वयं और उनके पिताजी। वो तो मोदी जी पर विश्वास है जनता का, जो आज जो हमने 2 बार वैक्सीनेशन पूरे देश का कर दिया और बाकी शेष वो भी होने जा रहा है, बूस्टर डोज भी देने वाले हैं। आज हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित, हमारी जनता सुरक्षित, सोच ये होना चाहिए। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता है, उनके पास आऊंगा। अंकुर जी, आज जब 5 जिलों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की ओर बात करते हैं कि एमएसपी अब खाते में जा रही है। बात करते हैं दबंगों पे कि दबंग और दंगाई प्रदेश से बाहर है, अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया है, मतलब इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो जो मेन टारगेट रहता है वो किसानों को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करते हैं, और आपको और समाजवादी पार्टी को सीधा कहते हैं ये दोनों परिवारवादी हैं, ये कागजी परिवारवादी हैं। ने एक शब्द का प्रयोग किया है समाजवादी पार्टी के लिए, और उन्होंने कहा कि वहां पे अगर कोई बच्चा भी आता गर्भ में भी होता और 9वें महीने में वो पदाधिकारी हो जाता है, तो मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। आप एक विदेश में रहते हैं, आप राजनीतिक मापदंड के प्रयोग करें और उसी के अनुसार भाषा शैली को रखें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपकी भाषा शैली जो है इस समय आपका सम्मानित कहने में लाखों लोग इसको व्यूअर है, बहुत से लोग इसको देख रहे हैं, तो आप किसी के ऊपर ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो अनुचित, मतलब नहीं। उनका संजय कटियार जी का ये कहना था अंकुर, आपने शायद समझा नहीं उनका कहने का मतलब क्या। मानसिकता नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़ जाता है। ओम जी परिवारवाद एक अलग विषय वस्तु है, परिवारवाद के तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप ये बात कह रहे हो कि उनके घर में 9 महीने कोई आता है और वो उनकी राजनीति चालू हो जाती, गलत कर रहे। चंदाबली का प्रयोग सही होना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि एक अच्छी भाषा चली रहे तो बहुत अच्छा परिणाम आता। दूसरी बात, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आज का जो अभिकथन है, आज की जो उनकी वर्चुअल रैली है, उनने जो बातें कही है उसको भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने ध्यान से सुना, आपका प्रश्न है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि आज की रैली में किसानों के ऊपर उनने जो भी बात कही है, एक भी बार माननीय किसान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उन 750 किसान भाइयों की शहादत के लिए किसान भाइयों के समक्ष अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए ये बात नहीं कही कि हम उन किसान भाइयों की शहादत को स्वीकार करते हैं, हमारी गलत नीति और गलत रीति की वजह से वो किसान भाई जो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे उन किसान भाइयों की शहादत के लिए हम जनता झारखंड के आगे नतमस्तक। हालांकि आपने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन किसानों ने अपने गुस्से अपने आंदोलन के आधार पे
स्वतंत्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हमारे जैसे युवाओं ने, आपके जैसे वरिष्ठों ने और पूरे जनमानस ने ये देखा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 13 महीने किसान धरने पर बैठा और इस सरकार की नीति रुचि को जनता के सामने लाया। हमारे आपके बच्चों के नीचे निवाले को छीनने वाले कानूनों के अगेंस्ट में वो जनता जनार्दन जो किसान बंधु है, धर्म जाति किसान दौड़ा रहे थे, सुरक्षा बलों पर किसान दौड़ा रहे थे, सुरक्षा बलों ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे लाल किले पे, वो कौन लोग थे सक्सेना जी? आप बताएं नहीं कर पा रहे, आप अपनी गलती का रोपा दूसरे को लगा जा रहा है। आप शांत करना चाहूंगा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए अंकुर, अपनी बात पूरी कीजिए। आप आपकी देखिए मेरी आदत, आप बोलो, मैं आपके में कभी इंटरप्शन नहीं करूंगा। जब ठीक बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी डिबेट होगी अगर ऐसा साथ देंगे दोनों भाई। मैं हमेशा ऐसा साथ देता हूँ आपके बाद बोलने के लिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय है हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में, जब आपका कांड हुआ उनके पुत्र ने दाढ़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, तब उस मामले का भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी बर्चुअल रैली में कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, अजय कुमार विश्वकर जो हैं उनका जब स्टेटमेंट आया तो वो भारतीय, मुझे तो ऐसा लगा मेहनत आदमी क्या होता है, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो डोला उठाए चले जाएंगे, तो हमें लगा था कि नॉमिनेशन करेंगे तो इनका स्टेटमेंट में कितना होगा, 1,50,00,000 से ज्यादा, 1.5 करोड़ की संपत्ति के ओनर है वो। इसके अलावा राइफल उनके पास है, लाइसेंस है, रिवॉल्वर का लाइसेंस उनके पास है। ऐसे ऐसे हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं। चलिए वो भी बात हटाइए, इन सबसे परे अगर आप कोई एक चीज उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, या आप जिस भी लीडरशिप की बात कर ले उनकी बाड़ी देखिए आप, हमारे यहाँ आप कहते हो दो लड़के हैं, आप जाट जाट चिल्लाते हो, आप किसान नहीं कह रहे हो आप जाट कह रहे हो, आप वर्ग विभेद करना चाह रहे हो, आप परिवार की बात करते हो, आप ही के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तीन तीन चरणों में तीन तीन चार चार बार स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय चौधरी जयंत सिंह जी जो है गलत दर्पण है, हमारे चौधरी साहब ने स्पष्ट बात कही, आपको माफी मांगनी चाहिए, दोहरे डाल देते क्या आपको, आपको अपनी साइड करना चाहते थे, आपको अपनी साइड करना चाहते थे ना? नहीं, अपनी साइड करना चाहते थे लेकिन हम, उन्होंने कहा कि वो गलत व्यक्ति के साथ है जी, जैन जी के लिए कहा जी। ये इस बात पर साबित होता है ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी की जो लहर चल रही है और किसानों का हमारे साथ जो साथ है, उस चीज में वो एक लकीर खींचना चाह रहे थे, लेकिन आज माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जो वहां पर विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, आम आवाम का, आम जनमानस का जो आपको प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद नजर आ रहा है, जनसमर्थन नजर आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि उनकी जो 2017 से 2022 में जो उनका सूरज है वो अस्तांचल की ओर चला गया और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता को एक नए सूर्योदय का आभास होगा जो एक स्थायी और विकासशील सरकार उत्तर प्रदेश में जाके दी। ठीक है अंकुर, आपने जो बात कही तार्किक है, लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद पर आज प्रधानमंत्री ने प्रहार किया है तो सीधा सवाल तो बनता है कि आखिरकार परिवारवाद की राजनीति इस देश में, इस राज्य में कब तक चलेगी? जग जाहिर है। मैं अभिषेक जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके पास आऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से परिवारवाद को बढ़ाया गया है, चाचा भतीजावाद को बढ़ाया गया है, हालांकि इस समय चाचा ने एक अलग दल बना लिया है प्रसपा, लेकिन फिर से वो मिलकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और ऐसे में जब 22 जिलों को साधने की, माफ कीजिएगा, 22 विधानसभा को साधने की कोशिश करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 जिलों की, तो ऐसे में प्रधानमंत्री परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, किसानों का भी जिक्र करते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए सीधा सवाल। सीधा सवाल में आपका स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा है, 5 जिलों की 22 विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअल रैली के दौरान, वर्चुअल रैली से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया और कहा ये दोनों परिवारवादी हैं, ये नकली हैं, ये कागजी हैं, ये सपने देखने का काम करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता है, उनका रुख करूंगा। अभिषेक, आप नकली समाजवादी हैं, ऐसा पीएम का कहना है कि नकली समाजवादी किसानों की पेंशन, जो माफ कीजिएगा,
किसानों का जो एमएसपी जा रहा है और पेंशन भी हालांकि जा रही है उसको रोकने का काम करेंगे आप? देखिए, अभी मैंने आपको इस विषय पे बताया कि नकली असली की परिभाषा, अभी मैंने आपको कई मंत्री, मैं आपके कानपुर जनपद के कई नेताओं के नाम बता सकता हूँ, मैं सार्वजनिक नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि कटाक्ष नहीं करना चाहता इनकी तरीके कि जब इनके साथ होते हैं, जब आरएलडी से इनका गठबंधन था तब इनको परिवारवाद नहीं याद आता था, ठीक है ना, और अब आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है तो उनको परिवारवाद याद आ रहा है। कुल मिलाकर के आप वो बात करते हैं कि आपके साथ हैं तो ठीक है, वो आपके साथ नहीं है तो फ्रॉड हैं, भ्रष्ट हैं। कुल मिलाकर के इनकी सोची समझी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो निष्पक्ष होकर काम नहीं, उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के सरकार बनाने जा रही है तो उसके उसको जो है ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, जनता गुमराह कर रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अगर हम कोई फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है वो धरने में बैठ जाएगा? ऐसा कहां होता है ये बताइए। मैं आपसे माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या जो बैठे 700 किसान मर गए वो चूतिया थे? ये उनकी आदत पे क्वेश्चन उठाने का विषय है, उनकी समझदारी पे क्वेश्चन उठाने का विषय है। कल्चर तो दिखेगा ना, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। चलिए अभिषेक, ये बताइए, अच्छा प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, कई हिस्ट्री शीटर को बाहर करेंगे और इस बार हिस्ट्री लिखेंगे। देखिए ऐसा है, अभी अभी सुन लीजिए की बात कर रहे हैं, यानी कि मुझे उत्तर देना, हाँ मैं आपके पास आऊंगा, पहले एक बार इसे नहीं, इस पे देखिए ऐसा है, जैसे आपने बताया, हाँ आपके चैनलों के माध्यम से मुझे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जिनके खिलाफ 50-50, 40-40 मुकदमे हैं, उन्होंने एफिडेविट के साथ दिए हैं। कानपुर में ही आसपास के जनपद में मैं ऐसे 2-4 लोगों का जानता हूं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में दे करके 40-40 मुकदमों का उल्लेख किया है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री शीट, आप लिख के दीजिए, आपने कहा परिवारवाद नहीं है, आप एक अपना एक एजेंडा जारी कर दीजिए जिसमें देखिए कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होगा उसका लड़का, उसका बेटा, उसकी पुत्री, उसकी बहू, उसके खानदान का कोई व्यक्ति भी राजनीति में जब नहीं रहेगा, अगर परिवारवाद नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, 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 आप मेरी बात देखिए, आप देखिए मेरी बात, मेरी बात का आप जवाब देने दीजिए। आपने प्रधानमंत्री का क्वेश्चन किया, मैं उस पर बोला भाई क्यों नहीं करती प्रधानमंत्री एक निर्देश जारी कर दे, एक संगठन की तरफ से एक निर्देश जारी कर दे। चौधरी कौन से मेहनत करके आए, सुन लीजिए मेहनत आ गई, अब मेहनत आ गई, अभी आपने 9 महीने के बच्चे का उदाहरण दिया, मेहनत आ गई, 9 महीने का बच्चा अगर स्टार्ट करके मेहनत करके पार्टी में खड़ा करता है, नारे लगाता है, तब उसकी मेहनत आपको याद आ गई। आप सुन लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप नकली बातें कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप जो है सही बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप क्यों नहीं जारी करते हैं, आप जारी करिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट देने का काम नहीं करेगी। कहिए अगर प्रधानमंत्री सही है तो ये बात कैसे जमाना करे, ये तो गलत बनाने वाली बात है। अभिषेक जी बहुत लाउड बोल रहे हैं लेकिन अब मेरी आप बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ बताइए, सुन लीजिए, सुनता हूँ आपकी बात। परिवारवाद बहुत बात करी, मैं आज अभी आरएलडी प्रवक्ता बहुत बड़े गर्व से बोल रहे थे गठबंधन है और अखिलेश जी से फलाना है, आज चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा, चौधरी अजीत सिंह की आत्मा कल्प रही होगी क्या सोच रही होगी, ये समाजवाद के नेता दोनों पितृद्रोही, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे जयंत चौधरी हों, अपने पूर्वजों के द्रोही हैं ये। इन्होंने अपने अजीत सिंह की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया जब इन्होंने सपा से गठबंधन किया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके मुलायम सिंह नेता, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं बनने दिया था, वो क्षण ये भूल गए, इनको तो शर्म आनी चाहिए जो ऐसे जगह पर जाके गोद में बैठ के जा करके अपने वहाँ बैठ डाला इन्होंने समाजवादियों के साथ, और इसका अंजाम वहाँ पर जहाँ पर आप बात कर रहे हैं 22 जिलों 22 विधानसभाओं की, वहाँ पर आज हालत यह है कि जितना वहाँ का किसान है वो सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो कह रहा है कि जो ये चरण सिंह के परिवार वालों ने ये काम किया जयंत चौधरी ने, सपा के खिलाफ बुरी तरह से नाराज है। 50 क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ का किसान हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जवाब दीजिए, और वो कह रहा है कि हम गन्ना के साथ हैं, जिन्ना के साथ नहीं है। ये बोल फिर देखिए मुद्दों से बचने का मौका आ जाऊंगा, मुद्दों से बचने का मौका आ जाऊंगा, आप जिन्ना की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, आप 12 चीनी मिलों को बंद करते हैं, बात मुद्दों पे करिए, आप 12 चीनी मिलों को बंद कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, आपने 14 चीनी मिलों को लेकर के जिन्ना पे आ जाते हैं, आप गन्ना से जिन्ना का क्या मतलब है, आप उल्टी बात करते हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं,
आप गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ना की बात कर रहे हैं, चिन्ना की बात की, क्या गन्ना की बात? आप जो है आप कहेंगे कि हम पूछेंगे भैया गन्ना क्यों, गन्ना में क्या समस्या है? आप कहें जिन्ना में समस्या है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। एक सेकंड लूंगा, कल भी अभी अभी अखिलेश यादव जी मिल गए वहाँ प्रियंका जी को, जो मौसमी नेता निकली हुई है, तो जब दुआ सलाम हुई तो अखिलेश जी बोलते हैं वालेकुम सलाम, तो अच्छा। वो बोल रहे हैं जय श्री राम, राम राम भैया, राम राम प्रियंका जी। समझ नहीं पा रहा, पेटेंट करा रखा है आपने, आपके नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वर्चुअल आपको पता है, आपको पता है कानून ने इसके गोद में बिठा देना। सुन लीजिए संजय जी, संजय बताना चाह रहा हूँ आपके वहाँ किसान इतना आक्रोशित है कि आप अगर वहाँ फिजिकल रूप से जाएंगे तो आपको बता देंगे आपके साथ दुर्घटना होती है। अभिषेक जी आपको शांत करना चाहूंगा, चलिए अभिषेक जी आप शांत, वो शांत रहेंगे। संजय जी आपको मौका मिल चुका है, नहीं लेकिन पहले अंकुर जी से बात, इन्होंने 700 किसानों का शहीद हुए, मैं इनसे पूछता हूँ, आता हूँ ये बता दे, वो ये बता दे कौन सी गोली होगी ने चलवा दी मोदी ने, किस गोली से शहीद हो गए? आमरण अनशन जब कोई करता है तो क्या उस पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या वहाँ के डीएम कलेक्टर जाकर करने उससे पानी पिलाते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन लोगों की चिंता करे जो आम पब्लिक है, वो लोग नहीं थे। ये तरीका नहीं है डिबेट का, नहीं नहीं संजय जी आप बिल्कुल नहीं आप बोलेंगे, ठीक है। अंकुर सक्सेना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो बीजेपी से हमारे साथ है संजय कटियार जी, आपसे जो कुछ कह रहे थे आपने सुना, उस पर काउंटर कीजिए आप। जी बिल्कुल ओम जी, ये मेरे पे जो स्क्रीन शो कर रही है इसमें प्लीज पिक्चर करवा दीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग नजर नहीं आ रहे, प्लीज पिक्चर बैकग्राउंड में करवा दीजिएगा, बाकी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है अभी संजय जी वो बड़ा पितृद्रोही और सबका भाषण दे रहे थे, और एक परम श्रद्धेय स्वर्गीय चरण सिंह साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे थे और उनके खानदान या उनके घर के कैंडिडेट के ऊपर, जिसको आज की डेट में आपकी पार्टी के माननीय सो कॉल्ड चाणक्य जी जो वो भी नहीं बोल पा रहे थे, वो आज संजय कटियार जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस चीज की क्लिप वायरल होनी चाहिए और आम किसानों तक इस बात को पहुंचना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी की बरासत को संभालने वाले परम श्रद्धेय स्वर्गीय अजीत सिंह जी के ऊपर आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आम जनमानस के बीच आपका चार चरित्र जो दोहरा और दोगला चरित्र है वो सामने जाना चाहिए। अब सवाल है परिवारवाद का, आपको बता दूं माननीय राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह, परम श्रद्धेय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उनके हस्बैंड स्वराज कौशल जी, मिजोरम के गवर्नर स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे है, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, अभिषेक सिंह, भाजपा सांसद प्रेम कुमार धूमर, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह। परिवारवाद नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव परिवार, आपने खुद ही गिना दिए कि कौशल जी संध्या दीजिए अंकुर जी। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के आपके प्रभारी बने हुए हैं, ये प्रमोद महाजन, उनकी पुत्री पूनम महाजन, बी एस येदुरप्पा, भाई एस राजे, बिल्कुल ठीक, उससे एक हजार नाम जान लीजिए, मैं आपको आधार नाम गिना सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं परिवारवाद की पराकाष्ठा और परिवारवाद का सोपान है। इसके अलावा आपको बताऊं लखनऊ की सीट पे जो रजनी गुप्ता जी को टिकट दिया गया वो भी परिवारवाद की पराकाष्ठा में आते हैं। बताइए इतना कुछ गिरा दिया उन्होंने अंकुर जी ने, संजय जी जो है उनके, ठीक है अंकुर जी आता हूँ आपके पास, संजय जी जवाब दीजिए, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद है, आपका परिवारवाद परिवारवाद नहीं और दूसरे का परिवारवाद परिवारवाद, परिवारवाद की परिभाषा को ही दिखाना चाह रहे हैं लोग, परिवारवाद मतलब ये कि मैं मेरे पुत्र मेरे नाती मेरे बच्चे मेरे ही भाई बंधु, हाँ इसको कहते हैं परिवारवाद, कुनबे की आप बात, इसको परिवारवाद नहीं कहते कि वो महाजन है वो स्वराज है वो सिंह है वो ठाकुर है वो बनिया, ये नहीं है, ये परिवारवाद नहीं होता, परिवारवाद है
सिर्फ मुलायम सिंह यादव के ही खानदान के लोग बनेंगे, अगर ये परिवार सांसद उन्हीं के चाचा बनेंगे, पार्टी में उन्हीं का बेटा बनेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ उनसे, देश में परिवार उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में हालत परिवार होने के नाती पोते बनेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, आपको पता है क्या? वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, आपको पता है क्या? हमको सब पता है, कहाँ पता है? कुछ पता ही नहीं है आपसे, बहुत बड़ी राजनीति का भाव है मुझे, आपसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। देख बाबू, 50 लोगों की 50 लोगों की कैबिनेट बनती है, उसमें सारे यादव नहीं होते हैं, झूठ के आधार पर झूठे सपने देख करके जाट भी होते हैं, उसमें मुस्लिम भी होते हैं, उसमें बनिया भी होते हैं, पंडित भी होते हैं। आप बताने का प्रयास करेंगे, दो ये बताइए, लोगों की जोड़ी पहले भी आई थी, 2017 में भी आई थी, पंचर टूटी साइकिल बैठी थी, इस समय भी दो लड़के हैं और दोनों जाने वाले, और पूरी तरह इनका जूता लाद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, इसी में बैठेंगे। अभी अभी देखिए 10 मार्च के बाद आप देखिएगा, कुछ हमने एक्सप्लेन किया, कुछ अंकुर जी ने, ठीक है, इस पे इनका कोई तो जवाब उन्होंने जवाब नहीं है, क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब परिवारवाद की परिभाषा क्या है उन्होंने बता दी? अच्छा मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें क्या हर वर्ग को जगह कैबिनेट स्तर पे नहीं दी गई थी? जो चार जो हमारे 250 MLA जीत के आए थे, वो क्या सारे परिवार से निकल के आए थे? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए बात करने के लिए आप कुछ भी करते रहे, इसका कोई तरकी नहीं है। आप सुन लीजिए, आपसे रोकना चाहूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप रुकिए थोड़ा। आयोग चेयरमैन के अध्यक्ष सारे यादव, आपके यादव वंश के परिवार के लोग, चाचा भतीजे लड़के नाती पोते, ब्लॉक प्रमुख तक, जिला पंचायत अध्यक्ष तक, चुनाव जीत के आ रहे हैं, चुनाव नहीं, चुनाव जीत के आ रहे हैं कि मनोनीत होके आ रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मनोनीत जो पद है मनोनीत, सुन लीजिए, आयोग को कोई मनो कोई चुनाव जीत के नहीं आता भाई साहब, ये भी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी आप कर लीजिए, मुझे पता है होता आयोग कोऑपरेटिव बैंक के भी चुनाव होते हैं, काम नहीं मालूम। अरे आप बता, आपको आप ही को सब कुछ मान लें, बात जल्दी पूरी कीजिए, आना। देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए वर्चुअल रैली पे आपने जो क्वेश्चन किया, वर्चुअल रैली करने का इनका कारण है कि कांग्रेस किसान इतना नाराज है कि जिस कारणवश ये अगर फील्ड पे गए तो इनके साथ जो है कोरोना कुछ नहीं बात है, या तो आप संविधान से ऊपर क्या रैली है? क्या उन्होंने चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि आप 1000, 1500, 2000, 5000 की रैली नहीं कर सकते? आयोग ने छूट नहीं दी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी आप ही की पार्टी के एक पूर्व कह देंगे या उनको कह देंगे उप मुख्यमंत्री, वो अपनी विधानसभा में जाते हैं, हजारों की तादाद में जनता मैंने मीडिया के माध्यम से देखा, उनको दौड़ाने का काम कर रही है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में निकाला जा रहा है। आप कह दे ये भी समाजवादी पार्टी के जनता के बीच में आप 5 साल बाद मुंह दिखाने जा रहे हैं, पब्लिक इनको देखना नहीं पसंद कर रही है, वहां से इनको दौड़ा रही है, अब इसका क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो लगता है कोई जवाब नहीं है, इसीलिए सुन लीजिए, आप जाएंगे, आपके गैर राजनीतिक आपका किसानों को गाड़ी चलाएगा तो किसान स्वागत करेगा, प्रधानमंत्री जी को तत्काल चाहिए, और उनके खिलाफ आज गृह राज्य मंत्री अगर कोई है ऐसा है ओम जी कि अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे? हमने आपने कहा मुझे समय दिया तो मेरी बात को सुन लीजिए, देश में गृह राज्य मंत्री का बेटा कोई अपराध करता है और वो उसका बाप गृह राज्य मंत्री होता है तो कैसे न्याय मिलने की जनता को उम्मीद होगी? आपके प्रधानमंत्री जो परिवारवाद की बात करते हैं, उनके ही बेटे ने परिवारवाद का एक एग्जाम्पल है कि उनके बेटे ने जो इतना विरोध किया, लोगों के ऊपर गाड़ी चला के मार दिया उनको, और प्रधानमंत्री जी ने उस गृह राज्य मंत्री को हटाने तक का काम नहीं किया ताकि वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए चार को प्रभावित कर सके। बिल्कुल ठीक है, आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी, उनका रुख करूंगा। अंकुर जी, जिस तरीके से कह रहे हैं परिवारवाद की राजनीति बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं संजय कटियार जी, उनके यहाँ तो जिस तरीके से चली आ रही है, जो लिस्ट है आप खुद ही देख रहे हैं कि राहुल गांधी को कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाने की कोशिश की गई, प्रियंका गांधी हैं चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के, इसी के चलते अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो वहाँ पर भी यही कुछ देखा जा रहा है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव
आप राम गोविंद जी को ले लीजिए, धर्मेंद्र यादव को ले लीजिए, चाचा शिवपाल को ले लीजिए, उनके बेटे आदित्य यादव को ले लीजिए, जो कोऑपरेटिव बैंक के जो उससे जुड़े हुए हैं, जी चेयरमैन है उसके। तो कुल मिलाकर के एक परिवार का बढ़ना, जिसके चलते बीजेपी का आप दोनों पर निशाना साधना। आप परम श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भूल गए हैं, आप राजवीर सिंह जी को, अगर आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी आपकी। अंकुर जी, मैं कह रहा हूँ आप माननीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम भूल गए हैं पार्टी में, उनके पुत्र का नाम भूल गए हैं, उनके पोते का नाम भूल गए हैं। तीन तीन पीढ़ियां एक साथ भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रही है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय में आप अगर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बीजेपी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय बात बोल रहे हैं, तो वो ये बात क्यों भूल रहे हैं कि अभी तीन दिन पहले आपके पार्टी के सो कॉल्ड चाणक के हमारे परम श्रद्धेय हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के पास किस तरीके से उनको अपनी तरफ करने के लिए आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और कैसे उनसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की मनोबल था और उनका जनता के प्रति स्नेह था कि उनने स्पष्ट रूप से आपके सवाल का जवाब दे दिया था। मनोबल नहीं था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय परिवारवाद आपको नजर नहीं आ रहा, काले विपरीत बुद्धि है जयंत चौधरी की, जो वहाँ बैठ गए। बात पूरी करने दीजिए। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय इसको तुरंत भेज के अमित शाह को बैठे। मैं तो चाहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे जो भाई किसान भाई है वो देखे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चार और चरित्र कैसा होता है। अगर हम आपके साथ में नहीं बैठे हुए तो हम अगर हम आपके साथ में बैठे हुए तो हम घंटा घर से नहा गए। अगर हम आपकी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आप ये शो करते हो कि हम लोग बिल्कुल गलत है। अंकुर 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। समझ गया है आपके पूरे चाल चलित को आम जनमानस समझ गया है। 2022 में 10 मार्च को ज्यादा दूर नहीं है। आप जरूर जरूर ठीक है, फैसले का दिन 10 मार्च, ठीक है। संजय जी लास्ट कमेंट, इस तरीके के बयानों से जीतेंगे? मैंने बयान किया, मैंने जो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज वर्चुअल रैली की बात कर रहा हूँ। टारगेट किया गया समाजवादी पार्टी और आरएलडी को, वो कह रहे हैं हम परिवार आईना दिखाना विपक्ष के लिए जरूरी है। आईना दिखाने में क्या दिक्कत, आईना दिखाया जा रहा है जो उनकी सच्चाई है, वो आईना दिखा दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा, जो किसान नाराज हैं वो मान जाएंगे इन बातों से? हमारी पार्टी जी उत्तर प्रदेश की जनता के पास सिर्फ तीन बातों पे जा रही है, ना परिवारवाद पर, ना वंशवाद पर, ना आतंकवाद पर। अब केवल बटन दबेगा विकासवाद पर और राष्ट्रवाद पर। हमारा नारा है विकास हमने किया है, गरीबों किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं, चाहे कोरोना काल हो, मजदूरों के साथ हम खड़े हुए हैं। हम सेवा करके सत्ता में आते हैं, हम सत्ता सेवा, सत्ता से सेवा नहीं करते, केवल हम सेवा करके सत्ता में आते हैं। आपके पास बहुत जल्दी कंक्लूड करिए इसको, समाजवाद की जो विचारधारा है। 10 मार्च को मिलेंगे, फैसला 10 मार्च को आएगा। लेकिन अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा, साफ तौर पे कह रहे हैं हम परिवार ढूंढ के मिल जाइए, कहाँ है आप लोग? सेवा भाव है इनके अंदर, देखिए आपके संजय जी आप देखिए अभिषेक से, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर प्रधानमंत्री जी का विकास एजेंडा होता, आपका राष्ट्रवाद एजेंडा होता, ये परिवारवाद की बात नहीं करते, ये गुमराह करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे विकास के नाम पे वोट दीजिए, मेरे जो है मेरे सुशासन के नाम पे वोट दीजिए, मेरे जो है साफ बोला योगी जी ने, क्या बोला जो जो विकास प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात नहीं है, बीजेपी की बात में। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अभी मुझे तो नहीं बताया, आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद की बात, ठीक बात है। मैं आप विकास की बात करें तो मैंने कहा, तो मैंने आपको बताया चुनाव है, उन्होंने आप एक एजेंडे पे लड़ लीजिए। आप ये कहिए कि अगर जनता से किसानों से कि अगर हमने 5 साल आपके हितों के लिए काम किया है, आपके प्रदेश को बढ़ाने का काम किया है, आपके देश को मजबूत करने का काम किया हो, तो वोट मुझे वोट दीजिए। आप कहां कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं जन्ना से जिन्ना, और सुन लीजिए जब गोली आप डरा के वोट लेना चाह रहे हैं, जनता डरने वाली नहीं है। 5 साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें देखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अब की बार समझ में आ जाएगा। जो उनके
मंत्री किसानों को गाड़ी चला रहा है, उसका किसान जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। संजय जी आपका शुक्रिया। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, था आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया है। कल रिपोर्ट कार्ड पेश किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और आज प्रधानमंत्री ने दूसरी वर्चुअल रैली के दौरान 5 जिलों की 22 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से वर्चुअल रैली की है उससे कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन जो 23 विधानसभाएं हैं वो सारी की सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर और RLD पर जो निशाना है वो प्रधानमंत्री ने लगाया है परिवारवाद के जरिए, कागजी सपनों के जरिए, कागजी कहके और नकली समाजवादी कहके, और ये कह करके कि ये MSP में इन्होंने किसानों को बरगलाया है और उनको गलत सूचनाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने प्रहार किया है, और ऐसे में जो हमारे गेस्ट थे उन सभी का यही कहना है कि हम परिवारवादी नहीं हैं। अंकुश सक्सेना भी ये कह रहे थे RLD से, समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता भी कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद दिखता जरूर है पार्टियों में। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही, आप देखते रहिए CMD। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews।